हर सीजन में ट्रॉफी जीतने के इरादे से टूर्नामेंट खेलने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इस साल भी इसी इरादे से मैदान में उतरने की कोशिश करेगी। हालांकि आरसीबी के लिए आईपीएल के अभी तक के सारे सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे हैं। ऐसे में इस बार टूर्नामेंट शुरू होने से पहले घातक फॉर्म में चल रहे एक बल्लेबाज ने टीम की परेशानी बढ़ा दी है। चोट के चलते यह बल्लेबाज टीम से बाहर हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए पिछले सीजन में जमकर रन बनाने वाले रजत पाटीदार इस बार चोट के चलते लगभग आधे आईपीएल सीजन से बाहर रह सकते हैं। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक टीम के ट्रेनिंग कैंप से पहले ही पाटीदार चोटिल हो गए हैं। पाटीदार को 3 हफ्ते के लिए आराम की सलाह दी गई है। MRI स्कैन के बाद ही उनके खेलने की स्थिति साफ हो सकती है। हालांकि उन्हें टीम से जुड़ने से पहले NCA से मंजूरी लेनी पड़ेगी। रजत पाटीदार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए 2022 IPL में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। RCB के लिए पाटीदार ने विराट कोहली और फॉग डू प्लेसी के बाद 2022 IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे। उन्होंने खेले गए 8 मैचों में 333 रन बनाए थे। रजत पाटीदार के आधे सीजन से बाहर होने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। पाटीदार ने टीम के लिए ओपनिंग का जिम्मा संभाला हुआ था, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी में टीम किस खिलाड़ी को विराट के साथ ओपनिंग के लिए उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। पाटीदार से पहले टीम के तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड भी चोटिल हैं। के खेलने पर भी सस्पेंस बना हुआ है।